तमाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हुरदा इमरान और आपको खुश आमदेद कहती हूँ केटू शहर में। यहाँ मैं कहती हूँ पाकिस्तान के शहर आप देख रहे हैं केटू शहर और क्या खूबसूरत आपने म्यूज़िक सुना है। बिल्कुल शादी वाला माहौल लग रहा है। हुमैरा चन्ना, शादिया मंजूर, हदीका क्यानी, ये वो खवातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया और जो जो लोक रंग वो लेके आती हैं, जो रवायती टच इसमें देती हैं, उसकी क्या ही बात है। थोड़ा म्यूज़िक होना चाहिए। ले जी 0514102357 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए और केटू शहर का हिस्सा बनिए। आज है 3 सितंबर, सितंबर की 3 तारीख है, मंगल का दिन है और सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक हम केटू शहर में लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी बातें, कुछ टिप्स, कुछ हैक्स, कुछ टोटके, कुछ इसके अलावा गपशप होती है, मेहमान होते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। बातें मैं इसलिए भी करती हूँ ताकि दिन का आगाज़ बड़े पॉजिटिव तरीके से हो जाए। चाहे हम मतलब बैकग्राउंड में कुछ भी चल रहा हो, परेशानियाँ हो, कुछ भी हो, हमने जो है ना हंसते मुस्कुराते दिन का आगाज़ करना है। क्या करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उदास होकर बैठ जाएं और मुंह बना के बैठे रहें तो जो आसपास के लोग होते हैं ना वो भी तंग आ जाते हैं, कौन कब तक कितना ख्याल रख लेगा भाई। इसलिए खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। बात हो रही है मोटिवेशन की, तो एक चीज़ जो बहुत मोटिवेट करती थी पुराने वक्तों में, अब तो शायद वो नहीं रही है, वो थी हॉबीज़, यानी कि मशगले, शुगर लगाना। हमारे यहाँ मतलब इसका चेंज हो चुका है, लेकिन हॉबीज़ का होना, कोई मशगला होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे याद है कि मैं मुख्तलिफ मुल्कों के स्टैम्प्स कलेक्ट करती थी, जो टिकट होते थे, अब तो खैर डाक वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया है, तो मैं वो स्टैम्प्स कलेक्ट किया करती थी और पूरी बुक्स होती थी, फिर दोस्तों के साथ एक्सचेंज करना जो डुप्लीकेट आ जाए पुराने वक्तों की। अभी तक मेरे पास वो बुक पड़ी हुई है। कुछ लोग करेंसी जमा करते थे, कुछ लोग कॉइन्स जमा करते थे। तो अगर मौका मिला तो आपको अगले किसी प्रोग्राम में आपको करेंसी के पूरा एक पैकेज बना के दिखाएंगे, जिससे पुरानी करेंसी है कितना इवॉल्व होगी है, अब क्या चल रहा है, उस ज़माने में क्या चलता था और क्या उसकी वैल्यू होती थी आपको बताएंगे। फिर कुछ लोगों को शौक होता था कि पत्ते जो फ्लावर्स होते हैं, जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं, उनको कलेक्ट करना, फिर उनसे चीज़ें बनाना। हॉबीज़ का होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी होती है उससे आपका ध्यान बढ़ जाता है। इट्स ऑल इन दी हेड, कहते हैं ना कि जो माइंड गेम्स होती हैं, जो हम सोचते हैं वही होता है। तो अगर आप मनफी सोच की तरफ जाएंगे, आप एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, तो फिर पूरी जो बॉडी है इसके इफेक्ट करती है, हमारा जो पूरा निज़ाम है जिस्म का, चाहे वो निज़ाम हजम हो जाए, इसके अलावा कुछ भी हो जाए ना, जो हम सोचते रहते हैं ना मनफी सोचें, एंग्जाइटी वगैरह, वो सब डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर क्या होता है, इर्द गिर्द के लोग मुतासर होते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारी फैमिली जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को बिज़ी रखें। खाली दिमाग वैसे भी शैतान का घर होता है और शैतान तो हमारे इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को मुस्बत रखें, पॉजिटिव सोच के साथ रखें, बिज़ी कर लेना अपने आप को। हॉबीज़ का होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को शौक़ होता है जी पेंटिंग करने का, किसी को शौक़ होता है कैंडल्स बनाने का, तो आज हम आप इस हवाले से भी आपको मिलाएंगे एक ऐसी बहुत ही होनहार सी बच्ची से, जो कि पाकिस्तान की यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर भी मेरे मुताबिक वो हैं, जो सर उन्होंने मुझे बताया है, और इसके अलावा वो ज़ीरो वेस्ट कैंडल्स बनाती हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है भाई, ज़ीरो वेस्ट कैसे, ये आपको बताएंगी हमारी आज की मेहमान। हमारा जो सेगमेंट होता है हुनर के हवाले से, हम उनसे बात करते हैं, वो भी आएंगी हैं। पहले कुछ हम ओरल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, प्लस मैं आपके लिए आपकी पुरजोर फरमाइश पे डिटॉक्स वाटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान है, इसमें ऐड और माइनस क्या करें वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बात दरअसल ये है कि चाहे आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना हो, चाहे आपने वक्त अच्छे तरीके से गुजारना हो, हॉबीज़ का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं कि उम्र की कैद है, ये नहीं कि जी जेंडर की कैद है, आपकी एज जितनी भी है, आप खातून हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, नानी दादी बन गई हैं, दादा बन चुके हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, अपने टाइम को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। कुछ लोग बागबानी करते हैं, कुछ लोग बाकायदा बागबानी के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। तो आप क्या हॉबी आजकल लेके चल रहे हैं, और अगर नहीं बनाई अभी तक कोई हॉबी तक क्यों नहीं बनाई, 0514102357 पे कॉल कीजिए और बताइए मशगले क्या हैं आपके। तो आइए आपको पहले क्या करें जी, पहले आपको सेगमेंट दिखा दें, ये पहले सॉन्ग सुनाना है। सॉन्ग है जी हमारे पास कि नहीं, नहीं है। पहले आपको हम दिखा रहे हैं आज का टोटका। टोटका तो खैर नहीं है, बड़े आसान सी एक चीज़ है, इसको आप हैक कह लें या इसको आप एक सोल्यूशन कह लें, जो भी है। मैं आपको बता रही हूँ डिटॉक्स वाटर बनाना। अच्छा, जिनको होता है जी वेट का इशू,
जिनको है डाइजेशन का इशू, खाना हजम नहीं होता, जिनको ब्लोटिंग होती है, मतलब आपको लगता है कि आप जो आपका स्टमक है वो भारी भारी सा फील हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को जो हम सारा दिन खाते रहते हैं ना, उसकी तय दर तय जमती रहती है, स्टमक अपसेट होता है। और हम बता ही चलूँ कि अगर आपका मैदा ख़राब है तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन उसका हिस्सा होते हैं। प्लस फिर क्या होता है कि मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, आप कुछ भी खाएंगे आपको खाने का वो मज़ा नहीं आएगा। फिर क्या होता है, आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, मिजाज ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा डिटॉक्स कर लें। ये पानी जो मैं आपको बताना सिखा रही हूँ, ये आप रोज़ पी सकते हैं, जैसे कि मैं डेली पीती हूँ, और सारा दिन इसके अंदर आप पानी ऐड करते रहें तो ये इसकी तादाद जो है बढ़ती रहेगी। अच्छा, हमने करना क्या है, हमने आपके पास अगर बड़ी बॉटल है इसमें 3 से 4 ग्लास पानी के बन सकते हैं, तो उसमें आप भी बना लें। आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ मयमेंट जग और पानी ग्लास के हवाले से। आपने इस तरह के तकरीबन 3 से 4 ग्लास जो है वो पानी के, जो आप पानी पीते हैं, उबला हुआ पानी है, फिल्टर का पानी है, जो भी पानी है, वो आपने एक जग में रात को रख लेने हैं। ठीक है, रात इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम डालेंगे वो इसमें आके तमाम उसकी जो एनर्जी है वो इसके अंदर आ जाएगी, वो फिर हमारा डिटॉक्स वाटर तैयार हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अच्छा इसमें भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ, ऑप्शंस इसके अलावा जो है वो और मैं बताती रहूँगी साथ साथ। ठीक है, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ग्रीन खीरा, डार्क ग्रीन का लगा हो तो ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। ये आप तकरीबन आधा ले लें, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, और इसको गोल गोल स्लाइस करना है, और आप ये देख लें कि मैंने इसका छिलका नहीं उतारा। ठीक है, इस छिलके समेत हम इस पानी में डाल रहे हैं। अच्छा, रात को आपने ये पानी बना लेना है ताकि सुबह तक सारा इसका जो एसेंस है, जो भी इसकी एनर्जी हमें चाहिए वो हम इसमें इन्फ्यूज़ कर सकें। अच्छा, फिर हम डालेंगे इसके अंदर सेब, तकरीबन छोटा सेब मैंने लिया था, ये हम इसकी फांके काट के ये डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, इतना तो सेब काफ़ी है, इट्स मोर देन इनफ। ये डाल लिया, ठीक है जी, मीठा है, मजेगा। अच्छा, साथ ही आ गया लेमन, निचोड़ के नहीं डालना, छिलके समेत स्लाइस करके डाल देना है। ये तकरीबन 1 लेमन है जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और फिर आखिर में ताज़ा ताज़ा पुदीना, रंग देखिए कितना प्यारा है इसका, ये आप तकरीबन 2 टेबलस्पून अंदाजे से इसके अंदर डाल दें। ठीक है, थोड़ा सा और डाल दें, डंडी समेत धुला हुआ होना चाहिए। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, चम्मच नहीं है तो मैं इसको इससे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। 3 से 4 ग्लास में 1 दरमियाने साइज़ का सेब, पुदीने के 2 चम्मच बड़े टेबलस्पून, मैं आपको ताकि समझ आ जाए ना इसलिए बता रही हूँ मैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसलिए मैं बोलती हूँ ताकि कुछ चीज़ रह ना जाए। और जब आप सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप ये देखें, या टिकटॉक पे अगर आप देखें, तो एक एक चीज़ क्लियर हो। हमने यूज़ किया जी 1 खीरा स्लाइस किया हुआ, ऐसे ये देख लें। ठीक है, फिर हमने यूज़ किया है लेमन बड़े साइज़ का, 1 बहुत है, इसको भी हमने स्लाइस किया हुआ है। ठीक है, सेब की हमने फांके काट के, दरमियाने साइज़ का सेब है वो भी हमने इसके अंदर डाल लिया, और पुदीने के 2 टेबलस्पून भर के, ठीक है, वो इसके अंदर हमने डाल दिए। और रात को आपने ये पानी बना के इसको आप ढक के रख दें, सुबह तक इसके अंदर वो तमाम जो हमें एसेंस चाहिए होते हैं, वो तमाम जो इंग्रीडियंट्स चाहिए होते हैं, वो तमाम खसूसियात जो चाहिए होती है, वो इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इस पानी के अंदर जो है वो आ जाएंगे। फिर आप, क्योंकि कुछ लोगों को मीत तरह से पानी पीने में बड़ा मसला होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो हम जिस तरह से बच्चों को इनकरेज करने के लिए कोई ना कोई कप्स, सिपी कप्स दे दिए, या कोई थर्मस दे दी, या कोई लालच दे दिया, तो इस तरह के बड़े खूबसूरत जो है ना वो मग्स या मेसन जार होते हैं, या ऐसे कप्स जो आपको मिल जाएंगे इजीली, ये बहुत महंगा नहीं है, 350-400 में आपको अच्छा मिल जाता है, वो आप ले लें। और या तो आप डायरेक्टली बॉटल के अंदर डाल के इसको आप पी सकते हैं, इससे आपकी ब्लोटिंग ख़त्म होगी, इससे आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, इससे आपका जो निज़ाम हज़म है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका मैदे के इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, आपकी भूख पुदीने की वजह से खुलती है कि पुदीना इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा खीरा और क्यूकम्बर की वजह से आपकी स्किन जो है वो ऐसे ऐसा ग्लो करेगी, और अगर आप वजन लूज़ करना चाहते हैं मज़ीद, या इस प्रोसेस को तेज़ करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच टेबलस्पून भर के चिया सीड के डाल दें।
चिया सीड आप इसके ऐड कर लें, वो बेहतरीन चीज़ है आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए। तो मैं आपको अभी इसका वो इन्फ्यूजन तो खैर नहीं होगी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से, जी हमारा डिटॉक्स वाटर रेडी है और साथ इसके ये चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है। ये जी ये हो गया और अब सारा दिन इसको सिप बाय सिप पी सकते हैं ऐसे। अब इसमें कोई खास फ्लेवर नहीं आया है, लेकिन सारी रात जब ये डिटॉक्स वाटर भरा रहेगा और पड़ा रहेगा, ढक के रख दे इसको, आप फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे रखना है, तो सारा इसका टेस्ट, सारे फ्लेवर, सारे इसके अंदर जो एसेंस, सारी इसकी जो क्वालिटीज़ है वो पानी में आ जाएंगी। और फिर आप ये पानी सारा दिन पीते रहें, और ये एक दिन का कमाल नहीं है, तकरीबन 3 महीने में आपको इसका असर नज़र आना शुरू हो जाएगा और ऐसा ऐसा फिर आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि हम डाइट का अपने ख्याल रखें। डाइट के अंदर आप शुगर, इसके अलावा रोटी चावल ख़त्म नहीं करना, सफ़ेद शुगर को, तो जिसको सफ़ेद पॉइजन भी कहा जाता है, इसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप ब्राउन शुगर पर आ जाएं, आप शहद के ऊपर आ जाएं, या आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, या ये तो स्वीट टूथ की बात होती है ना, कितना हम इसको खाते रहें। अच्छा, फिर आप वॉक करना शुरू कर दें, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, जितनी करें मैं इतनी सुस्त हूँ ना वॉक करने के वजह से, मुझे सारे काम करा लें कोई वॉक ना कराए। लेकिन फिर मैंने क्या किया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह 5-5 मिनट ऐड करते करते मैं आप आधे घंटे की वॉक ऑलमोस्ट डेली करती हूँ। बाहर ना जा सके तो सहन में, छत पे, रूम के अंदर, अच्छा आप कुछ भी ना हो ना आपके पास, तो एक रस्सी ले लें। रस्सी फलांगने से बड़ा ज़बरदस्त कार्डियो होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो मेटाबॉलिज्म तेज़ होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस में आसानी हो जाती है। अगर कुछ आपके पास और सवाल है इसी हवाले से, डिटॉक्स वाटर के हवाले से, या आपके पास कोई ऐसा डिटॉक्स वाटर है जो कि मुझे नहीं पता, तो क्यों नहीं पता, कॉल कीजिए 051-410-2357 और इस पर हमें आप बता सकते हैं कि डिटॉक्स वाटर, तकरीबन 50 से ज़ायद इकसाम के डिटॉक्स वाटर्स बनते हैं, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बड़ी सस्ती और मयारी इंग्रीडियंट्स होते हैं, घर में मौजूद होते हैं। तो आपके पास अगर ये है तो मुझे लाजमी बताइए, ताकि फिर मैं भी इसको शेयर कर सकूँ आप सबके साथ, किसी का भला हो जाए तो क्या है। दूसरी बात ये कि पानी पीना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें फ्लेवर आना शुरू हो गया, पानी लाजमी पीजिए और कॉल का प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, रिदा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत से? ठीक है रोजीना जी? जी जी रोजीना, शुक्र अल्लाह का सब ठीक है। खैरियत से हो, ठीक हो? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। जनाब क्या कहना चाहेंगी? पहले तो कल का जो आपका प्रोग्राम था ना बेहतरीन था, जितने प्रोग्राम मैंने आपके देखे है ना, कल जो था वो बेहतरीन था मेरे लिए। थैंक यू सो मच। तालीम और बच्चों के मसाइल से जो है ना रिलेटेड बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जो इशू आपने उठाए, जो बातें थी वो बेहतरीन थी, और दोबारा जरूरी है ना, जरूरी है ना कि हम बच्चों के हवाले से एजुकेट करें। जी 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 बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और आपके प्रोड्यूसर को आपको ऐसा प्रोग्राम पेश करने पर शाबाश। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मींस अ लॉट। किसी एक के भी फैमिली के दिल में बात आ जाए ना कि बच्चों को ख्याल कैसे रखना है, तो आई थिंक काफी हद तक हम कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं आपका प्रोग्राम देखते हैं, और मैंने भी अपने जो बहुत सारे जानने वाले अपनी फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, टाइम भी ऐसा है ना आपके प्रोग्राम का कि इस वक्त औरतें जो है ना घर की खवातीन जो है एग्जैक्टली फारिग होती है बच्चों को, मियाँ को भेज के, तो ये टाइम ऐसा होता है कि वो देख सकती है। हाँ हाँ, वो अच्छा रहता है। नॉर्मली मॉर्निंग शोज होते ही खवातीन के लिए जी, होते ही उन्हीं के लिए, और ये टाइम भी थोड़ा इजी होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आराम से देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपका, बहुत शुक्रिया। और आपकी शायरी कहाँ तक पहुँची? शायरी आज आपको एक और चीज सुनाऊं? सुना दे। अच्छा, ये कुछ थोड़ा हट गया है। क्या है उस आपके, मतलब आपके केतु पे नहीं है, वैसे है। हाँ वैसे सुना दो, खैर है, कोई मसला नहीं। ठीक है सुनिए फिर। जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है, जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है, रात होती है तो मेरी आंखों में उतर आता है। ओए होए 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 होए, क्या बात है। रात होती है तो मेरी आंखों में उतर आता है, मैं उसके ख्याल से निकलूं तो कहां जाऊं रोजी। जबरदस्त। वो मेरी सोच के हर रस्ते पे नजर आता है। वाह 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 वाह, कौन है वो?
वो कल आप और मुझे बातें कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में आ रहा था ये। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। क्या आप खुद भी शायरी करती हो या दूसरों के कलाम पढ़ती हो? रोजी मेरा निक नेम है। सॉरी, रोजी जो मैंने लव यूज किया ना, मेरा निक नेम है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जी, क्या बात है क्या बात है। और रिजल्ट 7-8 साल से ना मैंने लिखना छोड़ दिया, वरना बहुत लिखा है और अपने पास संभाल के रखा हुआ है। अभी ना प्रोग्राम के शुरू में हमें बात की थी हॉबीज के हवाले से ना, तो लिखना लिखाना भी बड़ी जबरदस्त हॉबी है, बहुत टाइम अच्छा गुजर जाता है इसमें। मैं डायरी भी लिखती थी, अब तो खैर फुर्सत नहीं मिलती ना, कोई वक्त था डायरी में डेली रूटीन लिखती होती थी अपनी जब ऑफिस जॉब करते थे। हाँ हाँ, और बल्कि मैं ना अपने अखराजात लिखती थी डेली, ये खर्च किया तो मेरे कुलीग और मेरी वो साथी जो लड़की काम करती थी वो कहती थी क्या करती आप, मैंने कहा इसलिए करती हूँ कि ये फिर मन है जो पता चलेगा ना कि हमारा क्या खर्चा होता है ऑफिस का, हम जो खाते पीते हैं टिप्स देते हैं, कोई शादी है कोई खुशी गमी है तो फिर हमारा एक बजट बन जाता है। तो ये अच्छी आदत और ये मेरे में अभी भी है, लिखती नहीं हूँ लेकिन एक माइंड में होता है कि ये काम इस तरह करना है। लेकिन कंटिन्यू रखिए इसको, लाजमी कंटिन्यू रखें, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि एक अच्छे तरीके से आपको दिन स्पेंड हो जाता है ना, आपके पास एक काम होता है करने के लिए जो आपके अपने लिए होता है। तो जनाब रोजीना ने कॉल की थी हमें 0514102357। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको मिलाएंगे आज की पहली मेहमान से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू K2 शहर, मैं हूं रिदा इमरान। और ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि हॉबीज का होना कितना जरूरी है, तो आज समझ ले टॉपिक कह लें या हमारा फोकस जो है वो हमारे मशगलों के ऊपर होगा। अब आपके मशगले क्या है, मशागिल क्या है, जैसे कि रोजीना ने बड़ी अच्छी पोएट्री करके सुनाई हमें, कॉल कीजिए 0514102357 पे। और एक मशगला जिसका मैंने जिक्र किया था वो है कैंडल मेकिंग का, यानी कि घर में मोमबत्तियाँ बनाना। और ये सिंपल मोमबत्ती नहीं होती है बल्कि इसे डिफरेंट किस्म के बैग्स इस्तेमाल की जाती है, इसको डिफरेंट तरीके से सजाया जाता है, डिफरेंट किस्म के होल्डर्स में लगाया जाता है। ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ये एक आर्ट है और बाकायदा सीखा जाता है, प्लस इसमें बाकायदा से क्लासेस होती हैं। मतलब बाकायदा इसलिए कह रही हूँ कि एक सीरियस किस्म की चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन मैं आपको मिला रही हूँ आज 15 साल की है, लेकिन हाउस में पढ़ती हैं क्लास 9th में, लेकिन प्रोफेशनली अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बनवा रही कैंडल मेकिंग के अंदर। और इनका ये दावा है कि पाकिस्तान की ये पहली एंटरप्रेन्योर हैं जो कि ज़ीरो वेस्ट मोमबत्तियाँ बनाती हैं, ज़ीरो वेस्ट कैंडल्स बनाती हैं। भाई ये हो क्या रहा है, आइए आपको मिलाते रुखाम फातिमा से। यहाँ से मैं जाऊँगी रुखाम के पास। अस्सलाम वालेकुम रुखाम बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, आर यू टेंस? मुस्कुराना भूल गई हूँ, इतनी प्यारी लग रही हो और इतने मजे मजे की चीजें लेकर आई हो। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 15। सिर्फ 15 साल की रुखाम है। और ये कब से काम कर रही हो रुखाम आप? ये जब मैं 11 साल की तब से। अच्छा, तो क्या इंस्पिरेशन मिली आप कैंडल बनाने की? पहले मैं कैंडल्स का बिजनेस करती थी। अच्छा। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इनमें कोई क्रिएटिव पॉइंट नहीं था। ठीक है। तो फिर सोए वैक्स कैंडल तो हर कोई बना रहा था। ठीक है। तो मैंने इनमें ये सोचा कि अगर मैं इनके नीचे सीट डालूँ तो फिर क्या होगा। ओ। तो जब ये कैंडल पूरी खत्म हो जाती है तो ये एक टेराकोटा पॉट है। ठीक है। इसको अगर आप मट्टी में डुबा दें तो इसकी सीड खुद ही निकल आएगी और वो प्लांट आ जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। तो जो रुखाम है वो जीरो वेस्ट कैंडल बनाती है और जो कि रिसाइकल तो नहीं कहेंगे ना इसको हम वी आर गिविंग इट बैक टू द मदर नेचर। अच्छा, तो ये कह रही है कि हम इसके अंदर टेराकोटा पॉट कहते हैं और इसके अंदर ये वैक्स के नीचे कोई ना कोई बीज रख देती है। किसके बीज होते हैं, दरख्त होते हैं क्या? कोई भी बीज होते हैं, फ्रूट के हो जाएं, कोई वेजिटेबल्स के हो जाएं, क्योंकि वो खुद ही उगाता है बाद में। अच्छा जी, तो हमें कुछ बताएंगे आप कैंडल्स बनती है? अच्छा, कैंडल्स के लिए आपको चूल्हा वगैरह चाहिए होगा तो फिलहाल ये वर्बली बता देंगे, लेकिन चीज़ें आपको सारी दिखाती रहें क्या क्या यूज़ होगी। ये है जी कैंडल, ये वैक्स है, ये वैक्स है, ये मोम है। कौन सी मोम है ये? ये पैराफिन वैक्स है और ये सोय वैक्स है। इसमें क्या फर्क होता है? जो पैराफिन वैक्स होती है उसमें केमिकल और हार्मफुल सब्सटेंसेस ज्यादा होती हैं। इसमें? हाँ जी। ठीक है। और ये हार्ड भी है थोड़ी। हाँ, अगर हम इसको टच करें तो ये बहुत सॉफ्ट है और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, मतलब माहौल के हवाले से माहौलियाती आलूदगी को सामने रखते हुए जो है ना इन्होंने सोय वैक्स। अच्छा, मिलेगी कहाँ से सोय वैक्स? ये हमें स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है और ऑनलाइन हम बस कैंडल वैक्स लिखें तो ये आ जाती है। ठीक है, केजी के हिसाब से होता होगा ना ये? हाँ, पर केजी के हिसाब से। ठीक हो गया जी, ये आपने सोय वैक्स का इस्तेमाल करना है, आपने पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। अच्छा, फिर हम आते हैं इसके होल्डर्स की तरफ। ये डिफरेंट
ये तो जगह जगह पड़े होते हैं ना, जिसमें हम खीर भी खाते हैं, ठूटिया जिसे कहते हैं वो। ये ग्लासेस मिट्टी के बने हुए हैं ये, और ये देखिए इसमें चाय भी पी जाती है, मटका चाय है ना, पिए कभी मटका चाय? हाँ जी। हमारे पास मोल्ड्स भी होती हैं, लेकिन मोल्ड्स सर थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और उनमें हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमें होल करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम पॉट्स यूज़ करें, हम शीशे का यूज़ कर लें या मट्टी का यूज़ कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। इसके अलावा ये विक होती है, ये धागा, ये विक कह लें इसको, ये डोरी कह लें इसको हम, ये हम कैमल के बीच में इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, अच्छा। और ये क्या है बेटा? इसके ये हम इसके अंदर ये विक अटैच करेंगे। ठीक है, ज़रा दिखा सकती हैं आप? जी, थोड़ा सा दिखा देंगे कैमरे के सामने रखते हुए। जितनी आपको ज़रूरत है इस डोरी की, वो आप काट लें। और अच्छा, ये आप रखती होंगी किसी भी होल्डर के अंदर। ये जो इसका होल्डर, ये भी आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल सकता है। और ये जो होल्डर मेरे हाथ में है, इस पॉट के अंदर जो है, आप इसको ऐसे रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप जितनी आपको डोरी चाहिए वो रुखाम लगा के दिखाएंगे। रुखाम नाम का मतलब क्या आपके? प्रेशियस गिफ्ट। प्रेशियस गिफ्ट, अच्छा। इनको हम सस्टेनर कहते हैं। सस्टेनर, ठीक है। इसके अंदर बस हमने ये अटैच कर देनी है। ठीक है। और साथ इसके अगर हमारे पास ग्लू गन है तो बस उससे इसको सील कर देना। ठीक है, ताकि ये हिले ना जगह से अपनी। और बस फिर इसको पॉट के अंदर हमने रख देना। जबरदस्त जबरदस्त। पॉट के बीच में और ऊपर से हमने इसके कैंडल वैक्स डाल देनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो सोय वैक्स है या जो पैराफिन वैक्स है, इसको आप डबल बॉयलर में करती हो गर्म या सीधा डायरेक्ट चूल्हे पर करती हो? डबल बॉयलर में कर सकते हैं, और या हम माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ओके, ये आपने जो वैक्स है या जो मोम है, जिसको सोए वैक्स बोलेंगे या मोम बोलेंगे, इसको आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर आपने एक बड़ा पतीला रखना है गर्म पानी से भर के, जो डबल बॉयलर होता है, मैं ठीक बता रही हूँ ना, और उसके अंदर छोटा बर्तन रखिए, आप ये वैक्स उसमें डालें। डायरेक्टली चूल्हे पे नहीं रखना, वरना आग लग सकती है। ठीक है, अदरवाइज कुछ ना है, आप गैस अगर नहीं आ रही है तो सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, तो फिर क्या करें? फिर हम इसको माइक्रोवेव में रख सकते हैं। बिल्कुल सही, माइक्रोवेव में रख लिया, और जब ये मेल्ट हो जाए पानी की तरह से, तो फिर हम इसको पॉट में डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कलर्स अगर ऐड करने हो तो? कलर्स अगर हमने ऐड करने हो तो कलर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक पाउडर कलर होता है और एक ब्लॉक कलर होता है, तो वो हमने मेल्ट करने से पहले ही इसमें एक ब्लॉक या थोड़ा सा पाउडर ऐड कर देना। ठीक हो गया। और फिर ये मेल्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें सेंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो वो मैं नहीं ऐड करती। ठीक हो गया, जरूरी नहीं है किसी। सेंटेड कैंडल्स मतलब ठीक नहीं होती फिर? सेंटेड कैंडल्स होती। अच्छा, ये जो हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ होती है, ये उसको अफेक्ट कर रही है। तो इतनी सी वैक्स से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, क्योंकि जो फ्यूम्स हैं उनमें केमिकल्स बहुत हैं। ओके, देखिएगा बड़ा अच्छा खूबसूरत लगेगा, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए सेंटेड कैंडल्स, ये रुखाम कह रही हैं वजह ही होगी, वो सही नहीं होते, क्योंकि आपके जो सांस की नालियों में इन्फेक्शन कर सकते हैं और आपको सांस की तकलीफ हो सकती है। खासतौर पर जिनको अस्थमा है, ये एलर्जी है, वो सेंटेड कैंडल से दूर है। अच्छा, होता है छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे मसले होते हैं। वेरी राइट। ठीक है जी, ये हमने पिघला के डाल दी जी इसके अंदर। इसके अंदर, और इसको ऊपर से बस हमने किसी भी चीज़ से होल्ड कर देना। ठीक है, इसका एक सहारा दे देना है, ताकि ये जो विक है ये बीच में रहे अटैच। ठीक हो गया। और फिर हम इसमें ये डाल देंगे, अगर हमने और चीज़ें डालनी है, जैसे फ्लावर्स हो गए, तो जब ऊपर से ये वैक्स मेल्ट होगी थोड़ी थोड़ी, तो हमने एक और स्टिक लेनी है, उससे हमने थोड़ा सा होल करना है, और बस वो फ्लावर्स हमने प्लेस कर देना है। ठीक हो गया। से सीड कब डालती हैं आप? सीड जो मैं डालती हूँ, वो मैं कैंडल डालने से, कैंडल वैक्स डालने से पहले डालती हूँ। ठीक हो गया। ताकि जब वो कैंडल वैक्स ख़त्म हो तो मुझे वो सीड नज़र आए, उसको मैं निकालूँ और मट्टी में डाल दूँ। किसी को गिफ्ट देने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। एक तो ये हाथ का बना हुआ सारा काम है, दूसरा इसके अंदर आपको एक मिलेगा क्या, एक सीड, एक बीज मिलेगा, जो कि रुखाम की तरफ से तोहफा होगा। और सदका जारिया है कि जब वो पौधा बड़ा होगा, मैं पिछले 2-3 महीने से एम्फसाइज कर रही हूँ आप लोगों को, बार बार कह रही हूँ, आगाही की कोशिश है मेरी कि आप लोग दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। अच्छा, ये वैसे रखा है आपने? हाँ जी। अच्छा, वैसे ही रखा है, सजाने के लिए रखा। इसके बाद हमारे पास जो कैंडल विक होती है, जब ये हमारी वैक्स मेल्ट हो जाएगी, सॉरी सॉलिड हो जाएगी, तो हमने इसको कट करना होता है। कट हमने ऐसे करना होता है कि जहाँ इसका सरफेस आ रहा है, यहाँ पर ये साथ जुड़ रहा है, तो हमने इसको बिल्कुल उसके पॉइंट पर ला कर कट कर देना। बस रेडी हो गई? हाँ जी। जबरदस्त हो गया। तो बेटा कॉस्ट क्या होगी इसकी जो आप सेल करती हैं, उसकी सेल प्राइस क्या है? मैं अभी सेल नहीं कर रही, मैं डिफरेंट जगहों पर जाकर ये इन्वेस्टर्स ढूंढती हूँ। अच्छा। ताकि मुझे इन्वेस्टर भी मिले और फिर मैं इनको सेल करूँ। ठीक है, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए? जो मैं चाह रही हूँ वो मैं थोड़े बड़े स्केल पर चाह रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो क्या क्या करना चाह रही हो आप?
मैं इनको सेल करके मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही एक फाउंडेशन बनाना चाह रही हूँ। जबरदस्त, इतनी छोटी सी हो, ये सारी बातें कब जहन में आती हैं आपके? कौन कौन आपको हेल्प करता है घर में? घर में माँ बाबा भी करते हैं और बड़े बहन भाई सारे मुझसे काफी बड़े हैं। अच्छा, तो वो उनकी बातें सुन के भी थोड़ी। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप इतना काम कर रही हो। इन्होंने सिखाई है हमें कैंडल बनाना, डबल बॉयलर के जरिए बना सकते हैं। आपका पेज क्या नाम है इंस्टाग्राम पे? रुखाम फातिमा, क्योंकि अभी मैं बिजनेस ही कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं बाकी अपने फेलोज को भी इंस्पायर करती हूँ और मोटिवेट करती हूँ कि स्टार्ट करें। ठीक तो है, वो फिर मुझसे हेल्प वगैरह भी मांग रहे होते हैं। ठीक तो है, मैंने एक पेज बनाया है जहाँ पे मांग सकते हैं। रुखाम, RUKHAM RUKHAM रुखाम फातिमा का इंस्टाग्राम पे पेज मौजूद है, जहाँ पे ये छोटी सी बच्ची इतने बड़े बड़े सोच के साथ चल रही है, इतने बड़े बड़े ख्याल आते हैं। और कहते हैं ना, हमेशा थिंक बिग, ज़्यादा सोच लें, बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, और फिर रास्ते अल्लाह ताला खुद ब खुद जो है वो खोल देते हैं। टेरिकोटा के पॉट्स में इन्होंने बड़ी प्यारी कैंडल्स बनानी सिखाई है। अच्छा, इन दोनों में इसके रंग क्यों फ़र्क है बेटा इसका? नहीं, ये बस शेप डिफरेंट है, क्योंकि मट्टी है तो वो उन्होंने बस शेप डिफरेंट। अच्छा, कलर इन दोनों का फ़र्क है, वैक्स एक ही है इसके अंदर? वैक्स एक ही है। ठीक हो गया। और इसके अंदर कौन कौन से बीज आपने रखे हुए हैं? इनमें मैंने फ्रूट्स के डाले हुए हैं। ठीक है, और इनमें सारों में ही मैंने फ्रूट्स के डाले हैं। बिल्कुल सही। और एक अभी प्लांट जो है वो मेरे घर पर ग्रो हो रहा है। ये इसी तरह से ग्रो हो रहा है। जबरदस्त जी, हम सीड निकाल के प्लांट करेंगे या इसके पॉट्स में ही करेंगे? जब ये मेल्ट हो जाएगी तो सीड नजर आएगी नीचे। ठीक है, वो एक पेपर में होगी तो फिर आप उसको निकालेंगे और बेशक आप वो पूरा पेपर ही नीचे कर दें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चले जी, हम एक टेराकोटा का जो है ना ये लेके ना उतरा देते। आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ। अब आप देख लें कि अगर एक छोटी सी बच्ची जो कि सिर्फ 15 साल की है वो इतना काम कर सकती है, वो ये सोच सकती है, तो क्यों नहीं होगा कि हम बैठो। आप बैठो। When there's a will, there's a way। जब आपने कुछ काम करने का सोच लिया है तो फिर ना उम्र की कैद होती है ना जेंडर का मसला होता है। और अच्छा, ये बताइए कि जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कितनी होनी चाहिए इसके लिए? It would be around 3 to 4 lakhs। तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा? अगर फर्ज करें, मैं आपको फर्ज करें 4 लाख देती हूँ, रुखाम क्या करेगी उसके लिए? पहले तो एक टीम बनाऊंगी। ठीक है, और वो सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स की ही होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मटेरियल इकट्ठा करेंगे। ठीक, और फिर हम एक जगह बनाएंगे प्रॉपर। उसमें हमारा जो मकसद है वो ये है कि बाकी यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी चांस मिले कि जो उनकी स्किल है वो उसको पॉलिश कर सकें, क्योंकि आगे जाकर स्किल्स ही काम आती हैं। बिल्कुल सही, पढ़ाई इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, लेकिन स्किल्स भी बहुत जरूरी होती है। डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं रही है? इम्पोर्टेंट, लेकिन एजुकेशन के साथ ही अच्छे आइडियाज आते हैं। सही, तो एजुकेशन होगी तो अच्छे आइडियाज भी आएंगे। अच्छा, आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑल्सो यू आर वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट, आप माहौल के लिए काम कर रही हो जी, पोल्यूशन के लिए काम कर रही हो, किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको? क्या लगा आपको कि मुझे करना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहिए? मेरी नीस थी, उसकी बर्थडे थी। अच्छा, तो उसने कैंडल्स ऑन की तो उसको खांसी शुरू हो गई, तो तब मैंने नोटिस किया कि ये जो फ्यूम्स उठ रहे हैं, काला धुआं है, उसकी वजह से ये हो रहा है, तो फिर आई केम अप विद दिस। तो अगर एक मोमबत्ती से एक बच्ची को इतना तकलीफ हो सकती है तो जो फैक्ट्रियों से धुआं उठता होगा जी, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है काले रंग का, वो कितना नुकसानदेह हमारे हमारे इस ज़मीन के लिए। 12,000 डेथ्स होती हैं पाकिस्तान में ईयरली ड्यू टू एस्थमा और एयर पोल्यूशन। 12,000 अमवात होती हैं। चलिए जी, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू K2 सहर भाई। कैसे हैं? इब्राहिम भाई बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। कैसे हैं? गाना याद कर लिया आपने? टीवी आहिस्ता कर दें। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, मैं गाना आपने कल वादा किया था गाना सुनाएंगे। हाँ, गाना बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन पश्तो वाला। पश्तो वाला? पश्तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। टीवी आहिस्ता कर दें। सुना दे, अब सुना भी दे। अच्छा, फिर टीवी आहिस्ता कर दे। सोर माला रावड़ा, ताजा ताजा गुलना द्रे सलोर माला रावड़ा। आगे पेशावर से वापस नहीं आना इब्राहिम भाई? आप टीवी की आवाज आहिस्ता करेंगे तो मेरे पे ध्यान होगा ना। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैंने जनाब 24 घंटे इंतजार किया कि 2 लाइनें सुनने के लिए,
और पूरा पूरा गाना सुनने आपने दोबारा कॉल करनी है मुझे और गाना पूरा सुनाना है। इब्राहिम भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने का। 0514102357 ये बड़ा पुराना गाना है और डिफरेंट वर्जन भी इसके सामने आए, लेकिन इस वक्त हम बात करें मशागल के हवाले से, हॉबीज के हवाले से। और रुखाम फातिमा यहाँ पे मौजूद है जो कि बड़े बड़े ख्वाब लेके आई हुई है और इंशाल्लाह आगे चल के बहुत कामयाब होंगी। बीकन हाउस में पढ़ती हैं, नवीं जमात की स्टूडेंट हैं ये। और आप सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके फेवरेट? मुझे बायो पसंद है ऑब्वियसली, और कुछ नहीं पसंद। और कुछ नहीं पसंद? नहीं। तो क्लास में जैसे चुप चुप रहती हो या मुझे देख के डर लग रहा है? नहीं नहीं, मैं काफ़ी बोलती हूँ। अच्छा, सही सही। हाँ जी। जब आपने घर में बताया कि रुखाम जो है वो एनवायरमेंट के लिए काम करेगी तो क्या रिस्पॉन्स आया? बेसिकली जो मैं इन्वेस्ट करने जाती हूँ पिच करने अपना बिजनेस, तो वो मेरी मामा या बाबा ही बता रहे होते हैं कि ये इवेंट हो रहा है। मैं फैसलाबाद भी गई थी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, अच्छा, अपना आइडिया पिच करने, और वहाँ पर भी मैं यंगेस्ट थी, तो वो 2000 एप्लीकेशंस में से 100 एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई थी जिनमें से एक मेरी थी। सही सही। और मैं अभी मेरा जो ड्रीम है वो है कि मैं शार्क टैंक जो पाकिस्तान में आया अभी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर भी अप्रोच करूँ। जबरदस्त, वहाँ जाके भूलना जाना हमें, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। आप इतना काम कर रही हो, इतना मजा आ रहा है, आपके बच्चे हमारी जो यूथ है वो इतना काम कर रही है, और इसी तरह कॉन्फिडेंस से आप काम करती रहो और प्लांट किसी दिशा से बांटती रहो, है ना। तो रुखाम फातिमा को आप मिल सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, इनका पेज यहाँ पे मौजूद है। सॉन्ग का इशारा किया भी आपने, इसका मतलब होता है सॉन्ग। आइए आपको सुनाते हैं चिचड़िया। जी नाउ वेलकम बैक टू K2 शहर। और आज मैं लेकर मुस्कुराऊँ, लेकिन जिनके साथ में बैठी हूँ उनके सामने मुस्कुराते हुए ज़रा कॉन्शियस हो रही होती हूँ, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं मुस्कुराहटे बिखेरने की, आपकी स्माइल को प्यारा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े आप पहन लें, मेकअप हज़ारों रुपए का कर लें, बाल अच्छे बना लें, लेकिन जब आप बात करते हैं तो आपके दांत जो हैं वो सबके सामने आते हैं और वो फोकस लोगों का अच्छा दांतों के ऊपर होता है। अगर दांत ख़राब हैं तब भी अच्छे हैं तो तब भी। तो आइए आपको मिला रहे हैं, इस्लामाबाद पिंडी के जाना पहचाना नाम है, एम्पोली डेंटल केयर से इनका ताल्लुक़ है, पहले भी आ चुके हैं, और ओरल हेल्थ के हवाले से ये बहुत नॉलेज रखते हैं, जहरी बात है इनकी फील्ड है, और बताते हैं किस तरह से हम अपने दांतों को जो है वो हसीन कर सकते हैं, सेहतमंद कर सकते हैं। आइए आपको मिलाते हैं डॉक्टर अहमद कुरैशी से, और साथ उनके बेटी हैं डॉक्टर नौरीन अख्तर फ्रॉम एम्कोलियन डेंटल केयर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। पहुंच गए खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से आज क्रिकेट का मैच है, शायद इस वजह से कब तक चलेगा मैच ये? तक हारना है हमने, अच्छी उम्मीद है हमारी क्रिकेट टीम से, अच्छी उम्मीद है, अल्लाह ताला इन पर रहम करेगा। रहम करेगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब मेरे हाथ में ये पर्चा आ जाए ना, समझे कि अहमद भाई जो है वो पहुंच चुके हैं। क्या रिसर्च होती है इनकी, हर दफा नए सवाल होते हैं, तो क्या बीमारियां चेंज होंगी दांतों के हवाले से? बहन बीमारियां तो वही हैं, लेकिन हमें उन पर फोकस करना हमारा बहुत अहम है, तो हमारा दिल होता है कोई भी चीज रह ना जाए जो हमारी ऑडियंस के जहन में आ। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए, हम लोग इतना ख्याल नहीं रखते दांतों के हवाले से ना, वो मंजन कर लेंगे, वो काले रंग का जो पाउडर आता है वो कर लेते हैं, बड़ी मेहरबानी है कि हम दो दफ़ा ब्रश कर लें, लोग इतने अवेयर नहीं है इस हवाले से। तो कितने अरसे के पास आपके पास आना चाहिए, साल में एक दफ़ा, दो साल में एक दफ़ा, कोई है पैटर्न इसका? ऐसा है कि एक 6 महीने के बाद एक दफ़ा तो लाजमी आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, जो बुक्स कहती हैं, ताकि डेंटिस्ट आपका एक ओरल चेकअप कर ले, कुछ एक्सरेज कर ले, ताकि उनको पता चल जाए कि दांतों में कोई कीड़ा लग रहा है या वो किस एक्सटेंट तक है, या ऐसा है कि उसमें फिलिंग्स की ज़रूरत है या रूट कैनाल की ज़रूरत है, या कि वो निकलने वाला है। रूट कैनाल क्या होता है? रूट कैनाल ये होता है रिदा, कि अगर आपका दांत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि जो दांतों की पल्प है, पल्प ऐसा स्ट्रक्चर है दांत का जो कि दांतों अगर उसमें सूजन हो जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा सिवियर पेन करता है, वो तो सिवियर पेन के साथ पेशेंट आता है ना, कि ठंडा भी लग रहा है और गर्म भी लग रहा है चाय पीने से, बहुत सिवियर, तो वो पल्प आपकी इन्फ्लेम हुई होती है। ठीक है। तो जब आपकी पल्प इन्फ्लेम हो जाती है या आपके दांत में क्रैक आ जाता है या आपका दांत टूट जाता है, तो फिर आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ठीक है। तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो डेंटिस्ट क्या करता है कि वो पल्प को निकाल देता है, वहाँ पे आर्टिफिशियल फिलिंग कर दी जाती है, और उसके बाद दांत को अंदर फिलिंग करके बंद कर दिया जाता है, दांत को एक तरह से डेड कर दिया जाता है, कि उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई हम खत्म कर देते हैं, जो कि मैसेजेस पेन के पहुँचाती हैं आपके दिमाग तक।
अच्छा, हमेशा ये लाजमी नहीं है कि आप ना दांत में आपके दर्द हो रहा हो तभी रूट कनाल इम्पोर्टेंट है। सही, सही, कभी कभी आपको इस तरह पता लगता है कि आपका दांत डिसकलर कर रहा होता है, बचपन में कभी चोट लगी हो, दांत डिसकलर करना शुरू हो जाए, जैसे ही वो डिसकलर करे तो हम डेंटिस्ट के पास चले जाएं ताकि उसको हम बचा सकें, ये ना नीचे इन्फेक्शन हो तो उसको निकालना पड़ जाए। सही सही। अच्छा, किस एज में आपके पास आना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? रियली आइडियली तो जैसे ही बच्चे के मुँह में पहला दांत आए, जो कि 6 माह से लेके 1 ईयर तक का है ड्यूरेशन, आपको बच्चे का पहला चेकअप करवा देना चाहिए डेंटिस्ट से, ठीक है? अच्छा, ताकि वो आगे पोटेंशियल खुदा ना खास्ता जो भी कोई दांतों में एबनॉर्मलिटीज या जॉ की बोन की ग्रोथ की कोई एबनॉर्मलिटीज है वो डेंटिस्ट आपको बता देगा, ठीक है? और आइडियली फिर आपने हर 6 माह बाद, या बचपन में कहूंगी कि 1 ईयर का आप गैप रखें कि हर साल बाद एनुअली आप बच्चे को दिखा दें डेंटिस्ट के पास, और फिर जब आप जब बच्चा बड़ा हो जाए तब 6 मंथली, क्योंकि तब आपकी जो फूड इंटेक है वो रूटीन चेंज होती है ना बच्चों की, जी जी जी। स्टिकी फूड ले लेते हैं और उसके बाद सफाई जो है वो आपने बताना होता है, बच्चों को गाइड करना होता है, हर एज के लिहाज से सफाई की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, लेकिन बचपन में पहला जब दांत आता है तो आपको चेकअप कराना चाहिए। दूसरी बड़ी अहम चीज़ है, हमें डेंटिस्ट के पास तब जाना चाहिए जब हमें मुंह में पेन ना हो, बच्चों के तौर पे खास तौर पे, ठीक है, ताकि उनकी जो डेंटिस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है वो ये बेस ना हो कि जी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो पेन होगी, पेन होगी। हाँ। इसी डर की वजह से लोग, फोबिया होता है, यस, डेंटल फोबिया एक बहुत बड़ी चीज है, और इसी वजह से लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, ठीक ठीक। इस डर से कि वहां पे जाएंगे तो पेन होगा, क्योंकि पहला जो उनका इंटरेक्शन होता है वो पेनफुल सिचुएशन होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, नॉर्मल क्या कॉमन क्या बीमारी है दांतों के हवाले से और क्या इसका प्रिवेंशन हो सकती है? दांतों की जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं वो एक्स्ट्रा ब्रशिंग या अंडर ब्रशिंग की वजह से जो आजकल हम देख रहे हैं। एक्यूरेट ब्रशिंग फिर क्या होगी? हाँ, तो वो ये है कि अंडर ब्रशिंग की वजह से दांतों को कीड़ा लग जाता है, ठीक है, मसूड़े हमारे स्वेल हो जाते हैं, मुंह से बू आनी शुरू हो जाती है, हमारी ब्लीडिंग हम हो जाती है। लेकिन आजकल वो ये है कि लोगों को पता लगा हाँ जी ब्रश करना लाजमी है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो जब वो एक्स्ट्रा ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रश इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से वो अपने दांत और मसूड़ों को रगड़ देते हैं, तो ये भी एक बहुत गम ब्लीड करने शुरू हो जाते हैं। तो एक होती है टेक्निक, उसको कहते हैं मॉडिफाइड बेस टेक्निक, तो ये YouTube पे हम लाजमी देख लें ताकि हमें पता लग जाए कि ब्रश किस तरीके से करते हैं। ब्रश एक तो आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, दूसरा हमें हर 3 महीने बाद इसको तब्दील कर लेना चाहिए, दूसरा हमें जो है ब्रश को, ब्रशिंग का तरीका यह है कि रोटरी मोशन में दांत के साथ 45 डिग्री के एंगल पे आधा गम इन्वॉल्व होगा, आधा दांत इन्वॉल्व होगा, गोल गोल हल्का हल्का घुमाएंगे, ना कि इस तरह जोर जोर का हम करें ताकि हमारे हम फायदा करने के बजाय नुकसान ना कर लें। और चारकोल पाउडर की वो आजकल मार्केट में बहुत इन हुआ है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है दांतों के लिए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब्रेसिव्स हैं, जो अब्रेसिव्स हैं वो आपके दांत की जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनेमल जो व्हाइट कलर की है, वो आप उसको जो है वो रगड़ देते हैं मंजन से, जब आप वो चारकोल पाउडर यूज करते हैं तो इनेमल आपका हट गया तो नीचे डेंटिन रह जाती है, डेंटिन का कलर है ही येलो, वो 1-2 यूज के बाद तो आपके दांत बहुत चमकाएगा, लेकिन उसके बाद आपके दांतों में होगी सेंसिटिविटी और येलोनेस परमानेंटली रह जाएगी, और जिसकी वजह से फिर आपको इन्वेसिव प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, एक पेन भी आया है ना उसी वक्त दांत सफेद, वो क्या जादू है क्या है? वो भी ऐसा ही है, उसमें मे भी ब्लीचिंग मटेरियल है, ठीक है, लेकिन जो कि वो बहुत हार्मफुल इस तरह से है कि वो सुपरवाइज्ड नहीं है, वो पेशेंट जब खुद से कर रहे हैं और एक्स्ट्रा अगर वो कर लेते हैं और एक्स्ट्रा ब्लीचिंग मटेरियल अगर आपके गम्स में चला जाता है विदाउट द सुपरविजन ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है, वो आप में दांतों की रिजॉर्प्शन कर सकता है दांतों को। मेरे ख्याल से शायद आप पूछना ये चाह रही हैं कि दांतों को सफेद किस तरीके से किया जाए। अगला सवाल यही था मेरे पास। वंडरफुल, वंडरफुल। तो क्या हमारी वाइब मैच, हमारा जो कनेक्शन है ना आवाज में। तो दांतों को सफेद किस तरीके से किया जाता है? सबसे अहम चीज ये है कि डेंटल क्लिनिक में जाके सुपरवाइज तरीके से हमें दांतों को सफेद कराना चाहिए, ना कि हम घर में करें, क्योंकि सबसे पहली चीज जो डेंटिस्ट करेगा वो आपके गम्स पे प्रोटेक्टिव एक लेयर लगाएगा, क्योंकि वो जो पेन है वो घर में होगा, वो गम्स पे भी लग जाएगा, फिर आपके गम्स जल जाएंगे। अच्छा, इसका इट्स वेरी इजी टू डू। आपके दांतों पे पहले गम की प्रोटेक्टिव लेयर लगी, उसके बाद आपके दांतों पे वो वाइटनिंग जेल लगा देंगे, 15 मिनट के 3-3 साइकिल्स होंगे जिससे आपके दांत जो हैं वो फिर सफ़ेद हो जाएंगे। अच्छा, कितने ज़्यादा सफ़ेद होंगे ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपकी आंखों की सफ़ेदी कितनी है। सही। अच्छा, कितने अरसे के लिए सफ़ेद आपके दांत रह सकते हैं,
वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, क्या हम सुबह नाश्ते के बाद दांत साफ करते हैं, क्या दोपहर को खाने के बाद करते हैं, क्या रात को सोने से पहले करते हैं, क्या हम सिगरेट पीते हैं, क्या हम पान खाते हैं, गुटखा का इस्तेमाल करते हैं, चाय कितनी इस्तेमाल करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम दोबारा फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट के पास कब जाते हैं। कब जाते हैं, जब तक दांत में दर्द हो कान तक ना जा रहा हूँ तब तक लोग नहीं आते। नहीं आते, एग्जैक्टली 0514102357 हमारा नंबर है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इनसे आप अभी बात कर सकते हैं, अदरवाइज फीस देके आपको मिलना पड़ेगा इनसे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। दांतों का ख्याल रखना इसलिए भी जरूरी है कि आपके ना सिर्फ चेहरे को ये नुमाया करता है, खूबसूरत करता है, बदनुमा करता है, बल्कि जिसे कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, दरवाजा है सेहत के वाले से। आपने क्या बात बोली थी लास्ट टाइम, जॉस के वाले से? जी ऐसे कोई बहुत खूबसूरत बात नहीं है, ओरल कैविटी जो है ना वो आपकी पूरी हेल्थ का दरवाजा है, गेटवे टू बॉडी कहते हैं। ओके इसके पीछे पूरी साइंस है। तो 0514102357 नंबर है। जब आप दोनों किसी जगह जाते हैं, शादियों में चले गए, तो लोगों के दांत देख रहे होते हैं कि इसको आना चाहिए हमारे पास। हमारा डेंटिस्ट का रिफ्लेक्स पहला ही यही होता है कि हम सबसे पहले अब जो है वो स्माइल नोटिस करते हैं पेशेंट के। अच्छा, लोग डरते हैं दांत निकलवाने से, और आपकी क्या मतलब, मेरे ख्याल से डेंटिस्ट की बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होता है कि वो किसी का दांत निकाले। क्या सोच के फिर आप लोग इस तरफ आते हैं? दांत जब रूट कैनाल के बाद भी पेशेंट का ठीक नहीं होता है दर्द, या दांत ऐसी हालत में होता है कि उसकी रिस्टोरेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, कि पीछे स्ट्रक्चर ही नहीं होता कि उसके ऊपर फिलिंग मटेरियल या क्राउन्स ठहर सकें, तो फिर हमें दांत एक्सट्रैक्शन की तरफ लेके जाना पड़ता है पेशेंट की वेलबींग के लिए। ठीक है, कंसेंट से उनकी कंसेंट से उनको बताया जाता है कि भाई अगर हम इसमें देखें, अगर हम रूट कैनाल फिलिंग्स करते भी हैं, बाद में क्राउन करते भी हैं, तो फिर भी इतना अर्सा आपका दांत नहीं चलेगा, क्योंकि अगर समटाइम्स पेरिडोंटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी बोन सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है दांत को। ठीक है तो फिर उसमें हम एक्सट्रैक्शन की तरफ लेके जाते हैं फिर, लेकिन एक्सट्रैक्शन से पहले आप डेंटिस्ट से डिस्कस कर लें कि इसकी रिप्लेसमेंट के ऑप्शन क्या होंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। दांत निकलाने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आफ्टर 4 वीक्स या आफ्टर 6 वीक्स मैं इसमें इसकी जगह कौन सा दांत लगवाऊंगा, क्योंकि अगर आप दांत निकलवा देंगे और उसकी रिप्लेसमेंट नहीं कराएंगे तो आपके बाकी दांत टेढ़े होना शुरू। बिल्कुल सही, तो इससे पहले कि आपके दांत साथ वाली मेज पे ग्लास में पड़े हों, दांतों का ख्याल रखिए, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू के2 शहर। वालेकुम अस्सलाम दीदा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही है? सीमा राव पिंडी से बात कर रही हूँ। अच्छा, खैरियत से है? ठीक है, दांत सही है सीमा? हाँ जी सीमा। हाँ जी जी, क्या सवाल है आपका? आपने बताया कि आप अपने आप को मजबूर रखें, मसरूफ रखें, तो मैं यही बात बताना चाहती हूँ कि ये आपने बड़ा अच्छी टिप दी है। अच्छा, सही सही सही। देखें, इंसान को मसरूफ रखना चाहिए, जो आदमी अकेला बैठा होता है उसी सीधी सोचे रखता है। बिल्कुल सही। तो मैं तो ये टिप दूंगी कि ज्यादातर आप अल्लाह की इबादत में अगर गुजारे ना, तो वो बंदा बहुत खुश रहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मेरा जो रूटीन है, मेरी तो ये रूटीन है कि मैं मसरूफ हो रही, मतलब मैं दूर ही पढ़ती रहती हूँ। 15 साल से मेरी रूटीन है, मैंने करोड़ों के हिसाब से दुरूद ही पढ़ा है। ओ माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। 3 दफा मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत हो चुकी है। ओ माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या बात। और उन्होंने मुझे पेटी बोला है। अरे वाह। कहने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी हूँ उठते बैठते दुरूद ही कसर से पढ़े। तो कौन से दुरूद पाक पढ़ती हैं आप सीमा? कोई भी पढ़ लें आप, छोटे से छोटा पढ़े, ये नहीं कि दुरूद ही इब्राहिम ही पढ़े, वो तो बहुत अफजल है ना। ठीक है, लेकिन आप कोई छोटे से छोटा पढ़ लें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या और ना, आपके हर काम जो आपकी मुश्किल से हल हो जाएंगी, और आपकी दुनिया में भी बहुत फैसला, आखिरत में तो आप सीधी जन्नत में जाएंगे। बेशक बेशक जी, बड़े काम की पते की बात बताइए आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीमा कॉल करने का, थैंक यू सो मच। 0514102357 नंबर है, और डॉक्टर अहमद यहाँ मौजूद है, डॉक्टर नौरीन यहाँ मौजूद है फ्रॉम एमकोलियन डेंटल केयर, से आप सवाल कर सकते हैं दांतों के हवाले से। और सवाल कुछ और भी हैं मेरे पास, लिखा किसने वैसे ही? बस मिलजुल के। अच्छा, वो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है जी, कि हमने दांत तो निकलवा लिया, ठीक है, लेकिन अच्छा सवाल ये होगा कि उसको रिप्लेस करवाना क्यों लाजमी है, क्यों उसको रिप्लेस करवाना चाहिए? अच्छा, अगर हम दांत को रिप्लेस नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपकी हड्डी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, तो फ्यूचर में आप रिप्लेसमेंट मुश्किल हो जाएगी। फिर ये होता है कि अल्लाह ताला ने कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म रखा हुआ है, ठीक है, उस खला में आपके दांत इस तरह साइड से टिल्ट होने शुरू हो जाएंगे,
अच्छा सही। फिर ये होता है कि जो अपोजिंग उसकी आर्च में दांत है, मतलब नीचे वाला अगर निकलवाया तो ऊपर वाला दांत है तो वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब दांतों की टिल्टिंग या ऊपर वाला दांत जो नीचे आ रहा है उसकी वजह से साइडों में पॉकेट्स बन जाएंगी, तो वहां पे खाना फंसेगा और इसकी वजह से आपका फिर और डेंटल के मसाइल आपके शुरू। अच्छा, कुछ लोगों की जॉज छोटे होते हैं और दांत ज्यादा होते हैं, हजूम से लग रहा होता है, उसका क्या कॉज है और उसकी क्या सलूशन है, कौन बताएगा? अच्छा, जो जॉज हमारे छोटे होना शुरू हो गए हैं और दांत बड़े होना शुरू हो गए हैं, इसका एक तो बहुत बड़ा फैक्टर हमारी डाइट है। डाइट है, डाइट जो आजकल चल रहा है ना, क्योंकि पहले अगर आपने देखा होगा, मुझे अपना बचपन याद है या बड़ों का, कि लोग गन्ना खाते थे, लोग छली खाते थे, लोग जो है वो हार्ड डाइट लेते थे, रॉ डाइट। अभी क्या है कि अभी हमारे पास सैंडविचेज हैं, अभी पिज्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, बिस्किट्स हैं, कैंडीज हैं, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट। इवन बच्चों का भी शुरू हम कैसे करते हैं, प्यूरीज खिलाना शुरू करते हैं और फिर उसको सॉफ्ट सा खिला के और उस तरह से, तो उसमें ये होता है कि दांत इतना इस्तेमाल नहीं होता, लाइक वो हम च्यूइंग मैस्टिकेशन जो है ना, हमारे ये मसल्स इतना जोर से इस्तेमाल होते हैं ना दांत, उससे कि जबड़े की जो ग्रोथ है वो स्टिल रहती है, मतलब स्टिल नहीं, मतलब इतनी स्पीड से नहीं होती जितना डेवलपमेंटली होनी चाहिए। इसकी वजह से हमारे पास जो बहुत ज्यादा मसला आता है वो आता है जो इम्पैक्टेड अक्लदार है। अक्लदार का आपने सुना होगा, आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी अगर जो अक्लदार है वो इम्पैक्टेड है, उसकी जगह ही नहीं है मुंह में, ठीक, इस वजह से जॉज छोटे हैं। दूसरी एक चीज और हम कर सकते हैं कि जब बच्चा आपका 7 से 8 साल का हो तो उसको लाजमी एक विजिट हम ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट के पास लाजमी लेके जाए, ठीक है। डिफरेंस क्या है डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट में? डेंटिस्ट ये है कि डेंटिस्ट सिंपल बीटीएस है, उसके बाद आपकी 4 साल की एक और स्पेशलाइजेशन होती है ऑर्थोडोंटिस्ट की, एसपीपीएस इन ऑर्थोडोंटिक्स होता है, ठीक है। अगर वो एक दफा उनको रिव्यू कर लेगा तो आपको बताएगा कि बच्चे का जो जबड़ा है वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है या इसमें कोई मसला है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा मैंडिबल ज्यादा आगे होती है, ठीक है, यूं इस तरह से दांत बंद करते हैं, ठीक है, या इनका जो या बहुत ज्यादा प्रोक्लाइंट इनके दांत होते हैं, अपर मैक्सिला उनका बहुत ज्यादा जो है वो ग्रो किया होता है, ठीक है। उस एज में हम हेडगियर डिवाइस देके या उस एज में हम फंक्शनल अप्लायंसेस देके बच्चे की जॉ की ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ को रोक सकते हैं, या जो जॉ ग्रो नहीं कर रहा उसको हम वो प्रमोट कर सकते हैं कि उसका जॉ ग्रो करे। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, कहना ये चाह रही हैं कि 12 साल से लेके 15 साल की उम्र में या इससे पहले हमें बच्चों को देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए जबड़ा छोटा तो नहीं लग रहा, हमें अगर लग रहा है तो हम ऑर्थोडोंटिस्ट के पास चले जाएं ताकि वो टाइमली ग्रोथ अप्लायंसेस दे के हमें फ्यूचर में सर्जरी से बचा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ने एक बड़ी अहम बात और की है, वो ये है कि सॉफ्ट डाइट। अच्छा, सॉफ्ट डाइट का एक और मसला ये हमें दरपेश होना शुरू हो गया कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं उनके दांत आगे छोटे छोटे होते हैं लेकिन पीछे परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, तो वो मुंह से दांत नहीं गिरते। तो वो हमारे बचपन में तो ये होता था कि दांत हिला, हफ्ता हिला और मुंह से गिर गया। अभी ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स कहते हैं सामने वाला दांत, दांत के पीछे दांत आ गया। एग्जैक्टली कि हम क्या करें, फिर वो के पास जाना पड़ता है और हमें वो दांत कभी कभी निकलवाने पड़ते हैं। लेकिन अगर घर में कोई ऐसे हैं जिनके पास डेंटिस्ट की फैसिलिटी नहीं है तो उनको सख्त चीजें खिलाएं, उनको गाजर खिलाएं, उनको छली खिलाएं, उनको सेब खिलाएं, ताकि वो बाइट करें उसमें और दांत हिले और वो गिर जाए। एक और बड़ा मसला जो दांतों में सॉफ्ट डाइट की वजह से वो ये आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं दूध की बोतलों पर, बहुत ज्यादा दूध पीते हैं, हर वक्त दूध पीते हैं, उसकी वजह से बेबी बॉटल कैरीज हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं के सामने वाले तमाम दांत काले हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से काले होने शुरू होते हैं। बिल्कुल सारे उसकी वजह ये है कि बहुत ज्यादा रात को सोते हुए हम दूध पीते हैं। अच्छा, दूध जरूर पिलाएं लेकिन आखिरी बोतल जो है वो हम उनको पिला देंगे पानी की, ताकि ये चीज ना हो। सही सही, और सारा दूध है ना उसका। अच्छा, कुछ माएं पानी की बोतल, मतलब पानी में शहद या चीनी डाल के भी दे देती हैं कि बच्चा पीता रहेगा। पीता तो रहेगा लेकिन वो मकसद तो वही ये वाला फॉट हो गया ना, जो सफाई वाला है। पानी पिलाने का बाद में मकसद ये है कि जो आपके दांतों पे दूध की लेयर जमी है ना वो उतर जाए, बच्चे के दांतों से वो उतर जाए, दांत साफ हो जब वो रात को सोया हो। जो लोग मीठा खाने के शौकीन है नई तरह से जी, वो क्या करें? मीठा ढेर सारा खाएं, उसके बाद एक कुली कर लें, एक से गुजारा हो जाएगा, एक कुली कर लें, ठीक है, रात को सोने से पहले ब्रश कर लें, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश कर लें। जो अहम चीज है ना, अहम चीज क्वांटिटी नहीं है, अहम चीज ये कि कितना आप इंटरवल से खा रहे हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा मीठा थ्रू आउट द डे खा रहे हैं, दिस इज वर्स इन टर्म्स ऑफ टीथ कि आप एक वक्त में ढेर सारा मीठा खा लें। बिल्कुल सही, और कुछ भी खाएं उसके बाद दांत साफ करें। अच्छा, जो आपको फुटपाथ पे एक्सपर्ट बैठे नजर आते हैं
जो डेंटिस्ट होते हैं, जो आई स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, क्या किया जाए उनका? देखें, हमें पेशेंट्स को ये बताना है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, ठीक है? आप जो हैं ऐसे लोगों के पास जाएं जिनके पास स्टेरिलाइजेशन के इक्विपमेंट्स हों, ऐसे लोगों के पास जाएं जो कि आपको स्पेशलिस्ट ओपिनियन दे सकें। सही सही, मतलब अभी तो रुझान ऐसा हो गया है कि खाली डेंटिस्ट भी तमाम चीज़ों को डील नहीं करते। मतलब जिस तरह डॉक्टर साहिबा हैं वो एंडोडोंटिस्ट हैं, वो खाली रूट कनाल्स को डील करती हैं। जिस तरह मैं हूँ, मैं इम्प्लांट्स को डील करता हूँ। हमारे जो प्रैक्टिस है वहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट अलग है, मतलब 11 मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं जो कि आपकी हर एक डिफरेंट प्रॉब्लम को डील करें। तो जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं ना अंकल, औजार लेके जो एक ही औजार से सारे काम करे होते हैं, उनके पास नहीं जाना। ब्रेक करें, आप ब्रेक लेना, आप इतना अच्छा बोलते हैं। जी हम जाएंगे इंशाल्लाह ब्रेक पे और आपसे मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक एंड वेलकम टू केटू शहर। मैं दांतों में इतनी खो गई हूँ और सारी बीमारी मुझे मुंह में नजर आ रही है। अच्छा, आप दोनों ने पढ़ा कहाँ से? जी हम दोनों ने पढ़ा है आर्मी मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन की है ओरल इम्प्लांटोलॉजी की है गुदे यूनिवर्सिटी से, जो कि जर्मनी फ्रैंकफर्ट में है। डॉक्टर साहब आपने स्पेशलाइजेशन कहाँ से की? मैंने स्पेशलाइजेशन की है आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री AFID CMS। जबरदस्त। अच्छा, लोग ये पूछे कि आप दोनों हमेशा इकट्ठे क्यों आते हैं, कुछ आपकी रिश्तेदारी आपस में? मैं इनको अकेले जाने नहीं दूंगी। समझ तो गए होंगे। अच्छा, मुलाकात आप लोगों की दांतों की वजह से हुई थी? जी, दांतों की वजह से हुई थी। जी ऑफ कोर्स, मेरी बेगम है, मेरी जूनियर भी हैं कॉलेज में। मैं 11th PDS का हूँ, डॉक्टर साहब 14th PDS की हैं। ओके ओके, मतलब आप बता दें शादीशुदा हैं? जी हम ऑफ कोर्स हम शादीशुदा हैं। जी जी। अच्छा, घर में भी इतने फॉर्मल होते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल। देन हु इज बॉसी इन दिस रिलेशनशिप? कौन ज्यादा बॉसी है? नो वन। बॉसी नहीं है, बैलेंस से चलते हैं। कुछ बातों में ये चुप कर जाते हैं, कुछ बातों में मैं चुप कर जाती हूँ, कुछ बातों में मैं चुप करा देती हूँ। कितना हो गया हम लोगों की शादी को? माशाल्लाह मुश्किल डेफिनेटली तो होता है, लेकिन जो मेरे लिए आसानियाँ की हैं वो इसमें दो लोगों का हाथ है। एक मेरे फादर इन लॉ, ठीक है, वो मेरे बच्चों के मामा दादा हैं। जो मेरी छोटी वाली बेटी है, शी कॉल्स हिम मामा दादा को, एंड एक मेरी मदर इन लॉ है। मतलब मैं 8 बजे जाती थी बच्चों को छोड़ के, और क्योंकि मेटर्निटी तो 3 मंथ्स की होती है ना, बाद में 3 मंथ्स की थी जब मैं उसको छोड़ के AFID चली जाती थी, और वापसी हमारी 6 बजे होती थी, और फिर अक्सर जो है वो नाइट ड्यूटीज भी आती थी। तो इसमें जो है जो लुक आफ्टर की है, जो मेरी जिंदगी आसान की है, वो मेरे सास ससुर ने की है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी ब्लेस्ड। हाँ, अल्लाह ताला हर हर लड़की को जो है ना वो ऐसे अम्मी अबू दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, दोनों मियां बीवी एक ही फील्ड में हो तो मुश्किल नहीं हो जाता? बड़ा मज़ा आता है। अच्छा? बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं घर वापस आता हूँ तो वो एक वो मीम सी बनी हुई है, एक डेंटिस्ट घर वापस आता है, वो ना दांत के बारे में सोच रहा होता है। तो वो बेगम कहती है पता नहीं क्या सोच रहा होगा, तो वो मैं ना घर आके मैं बेगम से डिस्कस कर सकता हूँ, जी फलाना केस था तो उसमें मैं क्या करूँ, समझ में भी आ जाएगा। लीजिए कॉल कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू केटू शहर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से? आप सुनाए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और रिदा, पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम। मुझे इतनी खुशी, जैसे इनकी प्रोफेशन पे खुशी है वो तो एक अलग बात होती है, इनकी स्पेशलिटी है, लेकिन इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग और प्यार देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और रिदा आपका एक और बात कहूंगा, जो आपका सेट है ना इतना खूबसूरत है, चीजें देख देख के एक बहुत शानदार माशाल्लाह। अच्छा, मेरे सवाल याया बोल रहे हैं ना, नाम भी तो बताए ना साथ साथ। जी, याया कराची। जी अच्छा, मुझे तो तमाम चैनल पर खैर नाम मेरा सभी जानते हैं और अल्लाह का शुक्र है 15-20 साल से जानते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, देखिए वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट आवर की, मतलब मैं मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा, आवाज इतनी फट फट अब आ रही है। टीवी ऑन होगा? टीवी तो नहीं ऑन आपका? नहीं, मेरा टीवी कभी ऑन नहीं था, आपको पता है प्रोटोकॉल मुझे पता है।
अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए बात सवाल अब मेरी आवाज आ रही है आपको सीधा? आप बोले बोले हम कर लेंगे कैच। अच्छा मैं ये कह रहा था कि इनसे मेरा सवाल ये कि हम लोग अपनी दांतों के बारे में बहुत कम बॉदर करते हैं, जब बिल्कुल खराब होने लगते हैं फिर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, ठीक है ना, ये एक सवाल है। दूसरी सवाल ये देखिए एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतना डिफरेंस पैसों में ज्यादा होता है कि एक एक बहुत ही महंगा एक रूट कैनाल होता है 3,500 में, एक रूट कैनाल हो रहा है 20,000 रुपए में, एक तो ये डिफरेंस इतना बड़ा क्यों है एक तो ये, और एक अच्छे डेंटिस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके पास क्या चीजें होनी चाहिए कि हम स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए कि हम समझ सकते हैं गुड डेंटिस्ट। तीन सवाल हो गए इनके, बहुत अच्छे ठीक हो जी, जबरदस्त सवाल किया आपने एज यूजुअल, आपको अभी ऑन एयर जवाब देते हैं ठीक है जी। पहला सवाल यही साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है, इनके सवाल का जवाब मेरे नजदीक ये होगा कि देखें डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है, नेगलेक्ट महंगी है, ठीक। सबसे पहले तो हम जो हैं अगर डेंटिस्ट को रेगुलरली विज़िट करें तो हम इनिशियल स्टेजेस पे अगर हम उसको पकड़ लेंगे, यानी कि हमारे दांतों पे थोड़ा बहुत खाना जमा हुआ है हम वहाँ पे क्लीनिंग करा लें तो वो हमें फिलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम फिलिंग टाइमली करा लें तो हमें रूट कनाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम रूट कनाल टाइमली करा लें तो फिर हमें इम्प्लांट्स की तरफ ऐसा नहीं जाना पड़ेगा या और रिप्लेसमेंट ऑप्शन की। दूसरा ये कह रहे हैं कि डेंटल डेंटिस्ट की प्राइसेस की थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है, ऑफ कोर्स वो उसमें ये होता है कि आई गेस कुछ लोगों के रेंट्स ज़्यादा हैं, कुछ जगहों के रेंट्स कम हैं, लेकिन हमें ऑफ कोर्स एज डेंटिस्ट हम कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल हो, और मोस्टली हमारे यहाँ भी हमारे क्लिनिक में खुदा ना खास्ता कभी कोई नॉन अफोर्डिंग बंदा आ जाए तो हम कहते हैं चलो यार खैर है कोई नहीं, एक आदमी है ना, हम वो बीच में फ्री भी कर देते हैं। आखिरी क्या सवाल था उनका? आखिरी सवाल ये था कि हम तब वहाँ जाते हैं डेंटिस्ट के पास जब दांत बिल्कुल रह जाते हैं। हाँ तो इसीलिए हमें हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास जाके खाली चेकअप करा लें। चेकअप देखें 500 रुपए का हो जाएगा। हाँ। सामने टीवी स्क्रीन लगाई होती है डेंटिस्ट ने, आपको इंट्राओरल कैमरा में वो दिखा देते हैं, आपको खुद ही देख के पता लग जाएगा जी मेरे दांतों में ये मसला है ये नहीं है। एक और बात, जब हम अर्ली एज में ही एज अ पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाना शुरू होंगे तो रूट कैनाल तक नौबत आती ही नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर आपका देखेगा दांत तो उसमें कुछ ऐसे जो सरफेसेस होंगी जहाँ पे वो कीड़ा लग सकता है तो उनको सील कर दिया जाता है, उनको पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स कहते हैं, या फ्लोराइड ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, या आपको ऐसी टूथपेस्ट रिकमेंड कर दी जाती है जिसमें फ्लोराइड हो और आप उसको सुबह शाम यूज़ करें, क्योंकि फ्लोराइड एक ऐसी ऐसा मिनरल है जो कि आपके दांतों की रीमिनरलाइजेशन कराता है, कीरीज लगने नहीं देता। दूसरी बात जो उनकी इन्फ्लेशन जाहिर हर जगह महंगाई हुई है, दूसरा चीज़ ये कि हमारे जो मटेरियल्स हैं ना वो पाकिस्तान में बनते नहीं है, अच्छे से सब कुछ जो है वो जर्मनी से और बाहर से आता, तो इस वजह से भी एक ये फैक्टर है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी चले जाएं, इवन अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में चले जाएं जहाँ पे पैनल्स पे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं ना पैनल पे होते हैं हॉस्पिटल के पैनल पे, वहाँ पे भी आपकी डेंटिस्ट्री की अमाउंट आपसे ली जाती है, तो इसलिए ये एक थोड़ा सा है फैक्टर। और ये हर जगह है कि इंश्योरेंस में भी डेंटल ट्रीटमेंट इतना कवर नहीं किया जाता। अच्छा अब नॉर्मली जो होता है कि लोग इसलिए भी करवाते पैसों की वजह से भी, लेकिन वो इतना डिले कर देते हैं कि फिर आप चीज़ें पाइलअप होना शुरू हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप दोनों अनवाइंड कैसे करते हैं? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखने चले गए, वो टफ हो जाता है सारा दिन आप दांत देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही, इशू आए, तो हाउ डू यू गाइज अनवाइंड? म्यूजिक सुनते नहीं? म्यूजिक तो मैं अब तो क्योंकि ये म्यूजिक नहीं सुनते, इनसे शादी करने का बड़ा फायदा हुआ मुझे कि जो मैंने म्यूजिक सुनना छोड़ दिया है, क्योंकि वो मेरी बेटी भी कहती है उसका स्कूल में म्यूजिक क्लास होती होंगी, उसकी म्यूजिक क्लास है तो उसने रोना शुरू कर दी, कहती मैंने नहीं जाना एक्टिविटी रूम में, वहाँ पे म्यूजिक होता है, मामा म्यूजिक तो हराम है, लेकिन वहाँ पियानो शियानो ना बजाना वो आप ये कर, लेकिन ये है कि म्यूजिक में ही हम जो है वो हम फ्राइडे को अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं, जू चले गए, म्यूजियम चले गए, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर ली। हाँ। फिर वो पिछले दिनों हमने शुरू किया हुआ था, आजकल तो डॉक्टर साहब के वो एग्जाम्स आने लगे, वो हमने वो उर्दुगुल देखना शुरू किया था, फिर वो अभी आजकल मेरी नजर है वो सलाउद्दीन अयूबी का वो एक ड्रामा आ रहा है, तो वो प्रॉब्ली वो हम शायद बस देखने में, कपल के लिए बच्चों को टाइम देना मुश्किल नहीं हो जाता?
अगर इन लॉ सपोर्टिव ना हो तो हो जाता है। तो क्या बेसिक चीजें ख्याल रखनी चाहिए ब्रॉटअप के हवाले से? शुरू के 4-5 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एज अ वर्किंग मदर, एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट भी काफी ज्यादा है कि मुझे किचन नहीं देखना पड़ता, मुझे घर नहीं देखना पड़ता, मेरी अम्मी जी इतना अच्छा हैंडल करती है। तो इसलिए जब मैं घर से वो काम से वापस आती थी या अभी जब मैं पढ़ाई से वापस आती हूँ, क्योंकि आई गो टू लाइब्रेरी आजकल, तो मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं वापस आके ना मैं फुल टाइम बच्चों पे होती हूँ, फुल टाइम दोनों बेटियों को टाइम दे रही हूँ, उतनी उनको नहलाना खिलाना पिलाना सुलाना सब जो है ना वो फिर सारे दिन की बातें होती होंगी उनके पास, सारे दिन की बातें जो है ना वो फिर मैं, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी मेरा यही जो है वो काम था। अच्छा। जब ये आते हैं तो इनका भी यही होता है कि सबसे पहले जो है ना वो बच्चे अगर तो लाडली कौन है दोनों में से? औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद से प्यार होता है। बिल्कुल बिल्कुल कहते नहीं कि आप मेरे वक्त तो सख्ती करते थे आप और मेरे बच्चों से। इवन मेरी जो अपनी मदर है नानो मेरे बच्चों की, वो जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें फातिमा और फातिमा के साथ कर रही होती है जिनपे हमें बहुत सा डांट पड़ चुकी है, तो फिर हम तीनों बहन भाई देख रहे होते हैं कि मतलब आप क्या अभी ये अलाउ हो गया। अच्छा, उनका भी कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है कि इनको मीठा नहीं देना, अब्बू को कह दे दादा ये ना खिलाएं, मम्मा दादा ये ना खिलाएं? नहीं, थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन वो खुद भी ख्याल रखते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि अभी जैसे बड़ी की तो आदतें बन गई हैं। अच्छा। कि वो तो खुद ही अब कहती है कि जो है ना वो, क्योंकि हम दोनों को मीठा पसंद भी नहीं है तो उसको भी इतना नहीं है, तो वो बहुत थोड़ा सा मतलब, और लेकिन उसको पता है कि वीक में एक दफा मिलेगा अगर लॉलीपॉप लेना तो। वीक में एक दफा मीठा। आप वो कह रही थी कि बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे अहम चीज क्या है? सबसे अहम चीज ये है कि हम ना उनकी जिंदगी में ये चीज डालें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें। अगर वो उनको हम ऐसा बच्चा बनाएंगे, बोलेंगे कि आप फलाना काम करेंगे ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और फलाना काम करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे प्यार करेंगे और इस तरीके से वो ग्रो करेंगे। हाँ। तो फिर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स। मोहब्बत करना आपको ऑटोमेटिकली उनके जैसा बनने का जो है ना वो सपोर्ट करता है ना। yes. आपको इनकरेज करते हैं कि हम वैसे बन के दिखाएं। yes. तो खौफ नहीं होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए कि आप दिल से जो है ना किसी से मोहब्बत करें तो ऑटोमेटिकली आप वैसा होने की कोशिश करते हैं और कोशिश ही मैटर करती है। एक तो आप लोग आए लेट, लेकिन बड़ा जेन्युइन रीजन है, आपको दोबारा हम जहमत देंगे कि आप दोबारा से बहुत से सवाल करने रह गए। आप अब इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, फेसबुक पे कहाँ मौजूद हैं? जी हम इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे मौजूद हैं। हमारे क्लिनिक का नाम है एम्पोलियन डेंटल केयर। ठीक है। हम रावलपिंडी में हैं और हमारे यहाँ 11 डेंटल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। हर किस्म का डेंटल स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, एंडोडोंटिस्ट है, मैक्सोफेशियल सर्जन है, मैं इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। वी हैव अ होल लवली टीम। आपको हम दांतों के साथ स्किन बाल सब चमका के भेजेंगे। पैगाम डॉक्टर अहमद क्या कहना चाहेंगे? जी मैं पैगाम देना चाहूंगा, अपने दांतों को प्लीज ब्रश करें सुबह, फ्लॉसिंग ऑफ कोर्स फ्लॉसिंग करें, यस यस, सुबह नाश्ते के बाद डेफिनेटली ब्रश करें, दोपहर को खाने के बाद करें, रात को सोने से पहले प्लीज करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां फैलाते रहें। जबरदस्त जी, जबरदस्त जी नौरीन, बस खुश रहें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें, प्यारी मुस्कुराते होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश हम करते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस मॉर्निंग शो के ज़रिए, जहां आप से हंसाएं भी, म्यूज़िक भी हो, तो वहां कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर दी जाए। और आज हमने बात की मशागल के हवाले से, हमारे साथ मेहमान रुखाम भी आई हुई थी। डॉक्टर अहमद आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया आने का। इसी तरह दोनों मिल के काम करते रहो, आपस में प्यार मोहब्बत रहे, मेरी बहुत सी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और आप लोग भी कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो कल का इंतजार ना करें, कल किसने देखा, जो करना है वो आज अभी और इस वक्त होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपसे, आपके किरदार से, आपकी बातों से, आपके अखलाक से किसी का दिल ना दुखे और किसी की दुआ में शामिल ना हो जाए। बहुत सी दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, बहुत सी बातें होंगी, बहुत अच्छा, अल्लाह करे हफ्ता गुजरे, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।